एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं रीजनिंग, जो कि रीजनिंग में आज हम ले रहे हैं सबसे पहला चैप्टर ब्लड रिलेशन का, जिसमें से एक क्वेश्चन हर एक रीजनिंग के पेपर में। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कॉलेज का एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि को करिकुलर में भी आप रीजनिंग आ चुकी है, तो इसमें भी जो है एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का पक्का आएगा। सो आज हम ब्लड रिलेशन करने वाले हैं, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी भी तरीका आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सी का पुत्र ए है, यानी कि इस तरीके से ये पुत्र हो जाएगा। यदि ये पुत्र है तो इसके ऊपर प्लस का साइन आएगा, और यदि अगर पुत्री होती तो हम इसके साथ निगेटिव का साइन लगाते। जनरेशन चेंज हो गई, इसलिए हमने इसके नीचे लिखा हुआ है। सो आगे दिया हुआ है, सी और क्यू एक दूसरे की बहनें हैं, ठीक है। अब सेम जनरेशन है तो इनके साथ ही लिखेंगे, और दोनों ही बहनें हैं एक दूसरे की, तो दोनों के ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है जेड क्यू की माँ है, यानी क्यू जो है इस जेड की, क्यू जो है बेटी हो गई किसकी, जेड की, ठीक है। तो यहाँ पे भी जनरेशन चेंज हो गया, तो हमने इसे ऊपर लिख दिया है, ठीक है। देन अगेन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यदि पी जेड का पुत्र है, पी जेड का पुत्र है यानी कि ये लड़का है, तो इसके ऊपर हमने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है, हमें चार दिए हुए हैं ऑप्शन की, उसमें बताना है कि हमें कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो इसमें कहा है क्यू ए का दादा है, लेकिन ये तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता कि क्यू ए का दादा हो, ठीक है। पी ए का मामा है, ये बात तो हो सकती, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं तो ये इसका भाई हुआ, तो भाई और बहन तो उनका लड़का क्या उनका मामा लग जाएगा, ठीक है। इस पुत्र के एक पी क्या है, मामा लगेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पी ए का मामा हो जाए, पी ए के मामा हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, पी ए का चचेरा भाई है, ये भी इम्पॉसिबल है। सी और पी दोनों बहने हैं, ऐसा हो सकता है, नहीं। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कि पी और ए के बीच में क्या है, मामा और भांजे का संबंध है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, सेम जनरेशन हो गई तो हम एक साथ लिखेंगे। अब एफ जो है भाई है ए का, तो ये क्या है, एक लड़का है, तो इसके ऊपर प्लस का साइन आएगा। सी ए की पुत्री है, सी जो है पुत्री है ए की, ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, पुत्री है, तो सी ए की पुत्री है यानी कि ये लड़की है, तो इसके ऊपर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है के एफ की बहन है, फिर से सेम जनरेशन, तो क्या हो जाएगा, ये जाएगी बहन है, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। आगे जी सी का भाई है, तो सेम जनरेशन, तो इसको एक साथ लिखेंगे, जी भाई हो गया किसका, सी का, ठीक है। तो ये दोनों भाई बहन हो गए, और ये दोनों भी भाई बहन हो जाएंगे, और ये तो प्लस का साइन आएगा इसके ऊपर, ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अब उसने कहा कि जी का चाचा कौन है, जो जी है इसके चाचा कौन होंगे, इसके चाचा कौन होंगे, तो इसके चाचा एफ हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, क्योंकि के तो इसकी बुआ हो जाएंगी, ए इसके पापा हो जाएंगे, तो एफ ही तो इसके चाचा होंगे, क्योंकि सी तो क्या है, इसकी बहन है, ठीक है। तो जी के जो चाचा होंगे वो एफ ही होंगे। सो जी और एफ का क्या संबंध है, एफ और जी का रिलेशन क्या है, चाचा और किसका है, भतीजे का संबंध हो जाएगा, ठीक है, भतीजा होगा यहाँ पे, ठीक है। एफ और जी के बीच में जो रिलेशन आएगा वो चाचा और भतीजे का आएगा। आपको जनरेशन समझ में आ गई होगी इन दो क्वेश्चन से, और किस पर प्लस लगाना है, किस पर माइनस लगाना है, और किस तरीके से हमें रिलेशन बताना है, वो चीजें यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको ये इक्वेशन देखनी है और ये स्टेटमेंट देखनी है, और इससे आपको सॉल्व करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए P डिवाइडिंग R, यानी कि P R का बेटा है, P R का बेटा है, ये देखिए P जो है बेटा है किसका, R का। अब इसने कहा R प्लस Q, यानी कि R Q की बहन है, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि P से Q का रिलेशन पूछा है इन्होंने, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मामा भांजा हो जाएंगे,